अच्छा तो अगर आपको चुनाव लड़ना होगा तो आपकी पार्टी कौन सी होगी? मैं वो लिखवा देना कान वाली बीजेपी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो यार कल मैंने व्लॉग बनाया था हनुमान धाम का, तो जो कि अभी मैंने अपलोड करा है थोड़ी देर पहले ही, मतलब क्योंकि मैं कल रात को बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और सुबह भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, तो उसको एडिटिंग मैंने आज दिन में 1-2 बजे स्टार्ट करा था एडिट करना। तो अभी 5 बज गए तो अपलोड हो चुका है, देख लेना, मतलब देख लिया होगा वैसे तो आप लोगों ने। तो यार अभी का सीन क्या है कि गाड़ी बाहर निकालते हैं, मोटो व्लॉग करते थोड़ी देर तक और कहीं जाते हैं। कुछ पक्का नहीं कह सकते कहाँ जाएंगे, पर जहाँ भी जाएंगे चलते हैं। आज का व्लॉग मैं बहुत देर में स्टार्ट कर रहा हूँ, तभी तो आपको अच्छा दिख रहा होगा ना। फिलहाल गाड़ी को बाहर निकालते हैं। सर गाड़ी फिलहाल बाहर निकाल दिए और अभी भी जस्ट पापा का फोन आया था। पापा बोल रहे थे कि यार ब्रिजलाल हॉस्पिटल में एक बंदा आ रहा है, मतलब एक भैया, मतलब जो भी है, मतलब सर आ रहे हैं, जो भी सर कह रहे थे वो न्यूज़ में आते हैं, मतलब न्यूज़ में उनका एक प्रोग्राम आता है, भैया जी कहीं ना कुछ नाम के नाम कह रहे थे। तो फिलहाल चलते हैं वहीं को और मिल के आते हैं, देखते हैं अगर मिल ले तो सही है, वरना हम लोग अपना मोटो व्लॉग करेंगे। यार यार आज भी कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा मैंने जैकेट वैकेट भी डाल रखी है। ये ठंड ना मतलब आज के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वरना बीच में इतनी ठंड नहीं हो रही थी, अचानक से बढ़ी एकदम, अचानक से एकदम ग्राफ उठा ठंड का। मैंने अभी फिलहाल वाइजर डाउन कर रखा ना, तो रात में वाइजर डाउन करने की यही दिक्कत होती है कि कुछ दिखता नहीं है, मतलब दिखता है पर उतना क्लियरली दिखता। कल वैसे ना मेरी गाड़ी ने मुझे एक चीज़ से तो बड़ा इंप्रेस कर दिया कि पेट्रोल ये ज़्यादा नहीं पीती, इतना मुझे समझ में आ गया, क्योंकि कल मैंने यार 250 का पेट्रोल डलाया ना, वही पेट्रोल चल रहा है अभी तक का। हाँ मतलब ब्लिंक करने लग गया है, कभी कभी कर रहा ब्लिंक वैसे जब टैंकी हिल रही है ना, क्योंकि टैंकी मैंने बताया था कि सेंसर लगे। एक राइडर को अपनी गाड़ी से सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उसकी गाड़ी पिकअप अच्छा दे और माइलेज अच्छा दे। यार डेली व्लॉग्स में आप लोग देख रहे हो, मतलब एक दिन भी छोड़ना नहीं पड़ता है। अभी स्टार्ट करा है मैंने व्लॉग जस्ट, तो देख रहे हो मतलब व्लॉग एक दिन भी नहीं छोड़ना है मुझे, एक दिन भी कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरे दिन व्लॉग करने की। हाँ वो अलग बात है, मतलब एक दिन बीच में गैप हो गया था, वो भी मेरी वजह से नहीं हुआ था, इंटरनेट की इशू से हुआ था वो। ओ भाई लाइट जल गई यार, अचानक ही। अभी जस्ट मैंने वाइजर ओपन करा अपना और मुझे लगा इतनी देर से कि मतलब इतनी जल्दी इतनी रात हो गई, तभी पता लगा कि यार अभी तो महंगा बहुत उजाला हो रखा यार, वरना अभी तक मैंने वाइजर डाउन करा था ना, तो मुझे लगा कि यार इतनी जल्दी मतलब इतना अंधेरा कैसे हो गया यार, अभी तो 6 भी नहीं बजे। ट्रैफिक लग गया यार, आई थिंक साइड से भी नहीं निकाल सकता, साइड से अंकल लोग गाड़ी निकाल रहे, इधर साइड से भी नहीं निकाल सकता, गाड़ी लग जाएगी दीवार पे। अरे यार ये इस रोड में हमेशा ट्रैफिक होता है यार, शिट। जब कहीं जाना हो ना और उस टाइम पे ट्रैफिक लग जाए तो बड़ी गुस्सा आता है यार, मतलब यार एक तो इतनी देर हो रही होती है, ऊपर से अलग से ट्रैफिक लग जाए, बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम पे। एक्चुअली क्या है, जिनसे मिलने जा रहा हूँ ना मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, पापा लोग देखते हैं समाचार में उन लोगों को, तो पापा ने कहा कि आ रखे हो एक यहाँ हल्द्वानी में, तो एक बार मिल ले। अभी तो कंफर्म भी नहीं है कि आए होंगे कि नहीं होंगे, उस टाइम पे थे क्या पता हो या ना हो, होंगे सही है मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं उसके बाद। फिर हम लाल हॉस्पिटल के वहाँ पे तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अरे आ रखे हैं, वहाँ शूट चल रहा है, शूट चल रहा है, शूट चल रहा है, KFC के अंदर शूट चल रहा है। भीड़ देखो यार, भाई गॉड भीड़, ओ भाई भीड़ बहुत हो रही है यार, भाई गॉड भीड़ बहुत हो रही है। ये देखो भीड़ देखो, ये रही न्यूज़ इंडिया 18 की गाड़ी जो है। अपना बहुत समय रिपोर्टिंग में और शो से गुजारा है, लेकिन हल्द्वानी में ये मेरा पहला शो है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यकीन मानिए मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा तो अगर आपको चुनाव लड़ना होगा तो आपकी पार्टी कौन सी होगी? मैं वो लिखवा देना कान वाली बीजेपी से। बड़ी बात हमारी है, बीजेपी से, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
भैया जी एडमिशन नहीं करा रहे लोग। अरे क्या कर रहे भाई, मैडम प्लीज आप लोग हमारी बात मानिए। तो यार देखो, जैसे कि मैंने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करी कि जो कॉलेज में लाठी चार्ज हुआ था हम पे, उस चीज़ के बारे में बोलने की पूरी कोशिश करी पर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेंगे। पर मैंने सुमित भाई से बोला, उन्होंने ये पक्ष रखा मेरी तरफ से, हमको सरकार एडमिशन नहीं दे रही है। यार बाय गॉड, भीड़ कुछ ज्यादा ही थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ भैया जी हो रहे। मैं बोलना चाहता था कितनी चीजें कि यार हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि यार जो शो है ना, ये चल रहा था टीवी पे लाइव, न्यूज़ 18 में ये लाइव चल रहा था शो। तो मैंने भी बहुत कोशिश करी मतलब बोलने की कॉलेजेस के बारे में, एडमिशन नहीं हो रहे, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, ये चीज़ बोलना चाहता था मैं। यार जो मैंने शॉर्ट्स दिखाया ना आपको, उसमें मैंने बोला इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। आप खुद ही देख रहे हो कि क्राउड कितना ज़्यादा था, और मुझे खुद ही नहीं पता था कि यार इतनी ज़्यादा भीड़ आने वाली है वहाँ पे। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी यार वहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़। आज तो यार वहीं लेट हो गई, मुझे नहीं पता था इतना देर तक का चलेगा ये प्रोग्राम, और व्लॉग भी आज पूरा नहीं बन पाया है। तो जारी रखते हैं इस व्लॉग को कल सुबह तक का, देखते हैं अभी जितना बन पाएगा उतना बनाएंगे, फिर वरना कल सुबह जिम चलेंगे, जिम का व्लॉग बना देंगे। टाइम की कमी हो गई ना आज, बस ये बात है। घर से एक तो निकला भी देर में था मैं, घर से अगर टाइम से निकलता तो मैं व्लॉग बना लेता आज का। तो यार अभी जस्ट घर को जा ही रहे थे तो मैंने देखा कि रास्ते में पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो अभी पेट्रोल फिल कराने आए रखे हैं हम लोग। तो अभी जस्ट मैं घर पर आया हूँ, और व्लॉग तो बन नहीं पाया आज का, पर कोई बात नहीं, कल तक जारी रखते हैं व्लॉग को। तो अभी फिलहाल मैं कपड़े चेंज करता हूँ और कल सुबह चलेंगे जिम जल्दी उठ के। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि 4 बजे उठ जाऊँ, क्योंकि कल मैं सुबह 4 बजे उठ गया था, आज नहीं उठ पाया पर कल उठ गया था मैं। तो कोशिश करता हूँ कि मतलब कल सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँ। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:40। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ जिम के लिए, और गाड़ी बाहर निकालते हैं, चलते जिम को। और यार कल तो व्लॉग बन नहीं पाया पूरा, तो आज बन जाएगा, कोई बात नहीं, डेली व्लॉग्स तो आते रहेंगे। और मुझे जल्दी से इसके बाद एडिटिंग करनी होगी, और शाम तक का 4-5 बजे तक अपलोड करनी पड़ेगी वीडियो, तो आज का व्लॉग भी शायद से लेट में आएगा। तो फिलहाल के लिए अभी निकालते हैं गाड़ी और निकालते हैं हेलमेट। तो हेलमेट में इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग कर लेते हैं, तो चलो फिर आ जा। धूप में मारना है, धूप में। नवंबर भी अब जाने वाला है कुछ ही दिन में, 10-11 दिन बचे हैं बस नवंबर जाने में, फिर दिसंबर आ जाता है। और अब शादी के सीजन भी आ गए हैं, घर में इतने कार्ड आ चुके हैं शादी के। पहले से क्या होता था कि जब मैं स्कूल टाइम में था तब मैं बहुत कम जाया करता था शादी में, मतलब कभी कभार चले गया इक्का दुक्का, क्योंकि यार स्कूल टाइम में घर वाले भेजते नहीं थे ना उतना, बोलते थे कि स्कूल है, पढ़ाई है, ये है। अब तो जा सकते हैं यार, अब तो कॉलेजेस है। तो यार अभी जब मैं घर में था ना, तो मैंने ऐसी जस्ट दिव्यांश की वीडियो देखने के लिए दिव्यांश का चैनल खोला, तो यार मैंने क्या देखा कि उसमें खाली 500 सब्सक्राइबर्स रह गए यार 10,000 उनके लिए। तो यार मेरी वीडियो कोई ऐसा देख रहा है ना जिसने दिव्यांश पांडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो यार प्लीज़ यार उसको जाकर सब्सक्राइब कर देना, 500 सब्सक्राइबर रह गए उसके। 500 सब्सक्राइबर्स में बहुत बड़ी चीज़ लेकर आने वाले मैं और वो। पहले से यार क्या सोचता था कि मैं यार ये साला भयंकर 1,000 सब्सक्राइबर कैसे हो जाते होंगे, लोगों की 2,000 कैसे हो जाते होंगे यार। आज भयंकर अपने साथ वाले की भयंकर 10,000 होने को है यार, 10,000 होने में खाली 500 रह गए बताओ। और मुझे पता है ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं, मतलब बड़ा नंबर नहीं है उसके लिए, वो आराम से कर लेगा। उसके रोज कितने बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर, उसकी बहुत सही वीडियो बना रहा है यार आजकल वो, पहले उतनी सही नहीं बना पाता था, आजकल तो हैंग क्या ही बना रहा है यार वीडियो यार। अबे यार मैं अपने पानी की बोतल लाना भूल गया यार, शिट मैं ऐसे आजकल 1-2 दिन से हो रहा है यार, मैं अपने पानी की बोतल लाने भूल जा रहा हूँ। जिम में तो फिलहाल आ चुके हैं, ऊपर गाने बज रहे हैं, इसलिए अब सीधे जब मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगा तभी देखते हैं। अरे नहीं नहीं मैं इससे स्टार्ट नहीं करता, पहले वॉक करेंगे, फिर ज़्यादा वेट नहीं मारता अभी तो फिलहाल में। लेकिन व्लॉग करने में एक ही दिक्कत है कि यहाँ गाने बहुत चलते हैं, और आपको तो बताइए व्लॉगर्स को गाने से बहुत ज़्यादा नफरत है, वो भी याले गाने से जो कॉपीराइट फ्री नहीं होते। कॉपीराइट फ्री वाले में तो क्या होता है, कॉपीराइट लगता नहीं है, इनमें तो कॉपीराइट लग जाता है। बताया यार व्लॉग करने के लिए भी ना यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि यार बाहर क्या है कि यार इतना शोर हो रहा है ना गाने का, अब मुझे ये डर है कि मेरी वीडियो में कॉपीराइट ना पड़ जाए। वैसे मेरी वीडियो एक वीडियो में कॉपीराइट पड़ रहा है डांस वाली वीडियो में,
वैसे तो उसके तो मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं कि डांस वाली वीडियो में कॉपीराइट पड़ा है, पर फिर भी यार कॉपीराइट ना ही पड़े तो बेहतर है यार। अब मैं अपने लिए तो खाली गाने को म्यूट करा नहीं सकता ना, गाने को बंद करा नहीं सकता अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में, क्योंकि और लोग भी एक्सरसाइज करें उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गाने के साथ एक्सरसाइज करने में थोड़ा आसानी होती है। तो मैं फिलहाल एक्सरसाइज करता हूँ। तो देखो हमारे जिम में कार्डियो ऐसी चलती है। देखो मसाज चल रही है वहाँ पे, मसाज इतनी खतरनाक मसाज है बाबर बताओ। सर एक्सरसाइज तो हो चुकी है, अब चलने सीधे घर को, ज्यादा टाइम हो गया आज तो बहुत ज्यादा। दस बजने वाले, टाइम का भी पता नहीं है बताओ यार। सर एक्सरसाइज करते करते टाइम का भी पता नहीं लगा कि टाइम कितना हो गया, वहाँ पूछ रहा हूँ कितना टाइम हो गया, बस मैं सोचा 8 बज रहे, वहाँ भयंकर यहाँ 10 बजने वाले हैं यार। फिर अब आ गई है खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग वाली रोड, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक बार मेरा पैर डूब गया था, यहाँ पे उस टाइम क्या हो रहा था, पानी पानी भरा था, मैं तब लाया यहाँ से अपनी गाड़ी को, पूरा पैर ही डूब गया, पूरा पैर में कीचड़ कीचड़ हो गया। और एक ये जगह रही, हाँ यहाँ से गाड़ी निकालने में ऐसी आफत आती है ना, ये देखो गाड़ी के नीचे का लग गया। ओ भाई 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 निकल गई, यहाँ से गाड़ी निकालना बड़ा दिमाग खराब लगता है मुझे। तो यार जिम से तो अभी जस्ट आया हूँ, अब कॉलेज जाने के रेडी होता हूँ, जल्दी से रेडी होके चलते हैं। और याली व्लॉग को तो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, मुझे पता है छोटा व्लॉग बना होगा आई थिंक, तो यार इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।